लादेन से 1 साल बड़ी थी उसकी बहू, बेटे ने 51 साल की महिला से की थी शादी। अलकायदा चीफ और खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन की मौत को 7 साल का वक्त हो गया है। उसकी मौत के बाद से उसका लंबा चौड़ा परिवार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहा है। ओसामा के पूरी फैमिली के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं है, लेकिन उसे बेटे उमर बिन लादेन को लेकर काफी खबरें आती रहती हैं। उमर ने 25 साल बड़ी ब्रिटिश महिला से शादी की थी। उसकी वाइफ ओसामा से भी उम्र में 1 साल बड़ी थी। ऐसे हुई मुलाकात और शादी। उमर की शादी की खबरें साल 2007 में ब्रिटिश मीडिया के जरिए सामने आई थी। तब उमर की उम्र 27 साल और उसकी वाइफ जेन की उम्र 51 साल थी। जेन फिलिक्स ब्राउन ब्रिटेन के चेशायर शहर से हैं और उनकी मुलाकात लादेन के बेटे से उमर से मिस्र में हॉलिडे एंजॉय करने के दौरान हुई थी। उमर की वाइफ जीना ने बताया था कि दोनों ने अप्रैल 2007 में इस्लामी विधि विधान से शादी की है और दोनों बहुत खुश हैं। शादी के बाद जेन ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम भी बदलकर जीना महमूद रख लिया था। जेन ने बताया था कि उन्होंने अपनी शादी को इसलिए दुनिया से छिपाकर रखा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी फैमिली को बदनामी का सामना करना पड़े। शादी के बाद जेन ने कहा था कि वो उमर से इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने बिन लादेन परिवार से संबंध जोड़ने के बाद होने वाले नतीजों की भी परवाह नहीं की। दोनों को रहना पड़ा अलग अलग। शादी के बाद उमर और जेन दोनों अलग अलग रह रहे थे। जेन ब्रिटेन के चेशायर में रह रही थी, वहीं उमर कतर में रह रहा था। जेन ने उमर के लिए ब्रिटेन का वीजा लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड के चलते वीजा नहीं मिल सका। जेन ने बताया था कि दूर रहने के बावजूद वो दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों रोज फोन और इंटरनेट के जरिए घंटों आपस में बात किया करते थे। ऐसे आए रिश्तों में दरार और टूटी शादी। दोनों ने 2010 में सरोगेसी से एक बच्चे के जन्म की भी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन एक के बाद एक 4 बार IVF ट्रीटमेंट फेल हो गया। इसी बीच जेन के उमर से तलाक मांगने की खबरें मीडिया में आईं। जेन ने कहा था उमर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, ऐसे में वो उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद 2015 फिर खबरें आईं कि दोनों खुशहाल मैरिड लाइफ जी रहे हैं। हालांकि किस देश में रह रहे हैं इसका पता नहीं चला। पर इसके कुछ ही वक्त बाद कतर की गल्फ न्यूज़ ने दोनों के डिवोर्स की बात कन्फर्म कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों के बीच सेरोगेट बच्चे के अडॉप्शन को लेकर विवाद था, जिसके चलते शादी टूटी।